स्टैंड अप इंडिया स्कीम केंद्र सरकार की एक योजना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत सरकार बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों और महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सीमा में ऋण देती है, जिससे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत मंडी जिला में लीड बैंक के साथ साथ सभी बैंकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे मंडी जिला में बैंकों एवं जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज यहां गोहर में एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया, जिसमें बुनकर, महिलाएं, किसान तथा उद्यमी शामिल थे। इस ये जो कार्यशाला, इसमें मेनली स्टैंड अप इंडिया पे जानकारी दी गई और इसके अतिरिक्त जो विभाग द्वारा, जो राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। भविष्य में भी इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो लगभग सभी ब्लॉकों में इस तरह के किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स का लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। और अब वे रेडीमेड गारमेंट्स, टूरिज्म, स्टील फर्नीचर, वुडन फर्नीचर व अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिससे जिला के और लोगों को भी लाभ मिल रहा है। इस योजना से स्वरोजगार मिलने से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यवसायियों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2015 को लॉन्च की गई थी। इसमें जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर SC ST एंटरप्रेन्योर के लिए फ्रेश लोन जो है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच सैंक्शन करने का प्रावधान है। इसमें जहां तक जो एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ट्रेडिंग यूनिट है और सर्विस सेक्टर जो है, इसके लिए लोन की जो सुविधा दी जाती है। इस एक्टिविटी के अंदर जो है मेन जो एक्टिविटी कवर की गई है, इसमें रेडीमेड गारमेंट्स के हैं, स्टील फैब्रिकेशन के यूनिट्स हैं, शटरिंग मटेरियल के हैं, वुडन फर्नीचर के यूनिट हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं। इस तरह की एक्टिविटी को इसमें बढ़ावा दिया गया है। इन एंटरप्रेन्योर को अवेयर करने के लिए, स्कीम के अवेयर करने के लिए FLC और RCT के माध्यम से हमने विभिन्न स्थानों पर जो है ब्लॉक लेवल पे अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, ताकि लोगों को स्कीम का पता लग सके। रोजगार जिन उम्मीदवारों के पास नहीं है, वो उनको हम इसको बैंक के माध्यम से उनको रोजगार दे सकें, ताकि वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सके। इस तरह से इसको हमने प्रोत्साहन वो किया है। अभी तक जिला में 40 से अधिक लोन बनाए जा चुके हैं। जिला उद्योग केंद्र ने इन उद्यमियों को लोन लेने की प्रक्रिया के अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, प्रोजेक्ट लगाना, बिजली कनेक्शन, वाटर सप्लाई और टीन नंबर लेना इत्यादि कार्यों में भी मदद की। इस स्कीम को लेकर मंडी जिला के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है। इसके अंतर्गत नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद मिल रही है, जिससे जिला भर में स्वरोजगार बढ़ रहा है।